नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर की थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र की ग्राम सलेमपुर का है, जहां पर पीड़ित रचना जो कि सोनाटा कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर नियुक्त है, उसके साथ यहाँ पर 28 मार्च 2023 को फाइनेंस कलेक्शन के 63,388 रुपये जो है का एक बैग सलेमपुर तालाब के पास पीछे से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने भयभीत कर लूट लिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केवल 12 घंटे के अंदर ही लूट की घटना में शामिल दो अभियुक्त सौरभ और साथी टिंकू को गिरफ्तार किया है, और साथ ही सचिन नाम का अभियुक्त फरार हो गया है। इसके साथ ही चोरी की घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल के बारे में भी पूछताछ कर पता चला है कि यहाँ पर यह मोटरसाइकिल इन अभियुक्तों की द्वारा शियारुख निवासी तुरमखेड़ी से ली गई थी, और जिसके साथ ही 4 महीने पहले सौरभ ने यहाँ पर मोटरसाइकिल लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने यहाँ पर छानबीन कर पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। रामपुर मनिहारा पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाते हुए कल दोपहर में करीब 11:30-12 के अराउंड एक महिला के साथ, जो सोनाटा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करती हैं, उनके साथ लूट हुई थी। तुरंत हमारी सर्विलेंस एक्टिव हुई, तुरंत हमारी जो SOG टीम है वो भी एक्टिव हुई, रामपुर मनिहारन टीम भी एक्टिव हो गई, और ये 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने खुलासा कर दिया। इसमें लूट की घटना कारित करने वाले 3 अभियुक्त थे हमारे, इसमें से सचिन और सौरभ साचलू गांव जो है, जहां पे साचलू गांव वो भी है जहां से ये महिला कलेक्शन करती थी, और कल भी इसने वहां से कलेक्शन किया था। साचलू गांव के रहने वाले हैं ये, पहले ही इस महिला का पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके थे, क्योंकि ये महिला हर एक मंगलवार छोड़कर वहां पे उसका वही रूट रहता था कलेक्शन का। और इनके साथ एक सहायक था टिंकू। टिंकू ये बड़गांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, महेशपुर गाँव का, ये सौरभ के टच में था। इन दोनों ने एक मोटरसाइकिल पे थे सौरभ और टिंकू, और एक मोटरसाइकिल में सचिन था। तो सचिन रेकी कर रहा था, सौरभ टिंकू ने एक्चुअली झपट्टा मार के ये पिट्ठू बैग छीना था इसमें से, और जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घटना के बाद ही इन्होंने पिट्ठू बैग तो जला दिया है, लेकिन हमें सोनाटा फाइनेंस कंपनी का ID कार्ड और उसमें जो भी कागज़ थे वो मिले हैं, और जो लूट की घटना में टोटल 63,000 कुछ रुपये लूटे गए थे वो पूरे की पूरी 100% इसमें रिकवरी हो गई है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। यहाँ पर बिजली का बिल जमा ना करने वाले कथित नेता का कनेक्शन काटने पहुंची यहाँ पर बिजली विभाग की टीम को कथित नेता की तरफ से यहाँ पर दिखाई गई दबंगाई। हाथ में डंडा लेकर दबंगाई का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की मोहल्ला इलाहीपुरा में बिजली का बिल जमा नहीं करने वाले कथित नेता का घर पर विद्युत कनेक्शन काटने पहुंची थी, तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर कथित नेता की तरफ से हाथ में डंडा लेकर दबंगाई दिखाते हुए बिजली कर्मचारियों को जो है अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। पूरे मामले की यहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की तरफ से तहरीर के आधार पर अब थाना सदर बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और चलिए बात उत्तर प्रदेश के अमरोहा की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर अमरोहा में मुस्लिम युवक को योगी का फैन होना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह का उसने आरोप लगाया। पीड़ित युवक कलेक्ट्रेट पहुँचा और न्याय की गुहार लगाई है। योगी के अच्छे कार्यों को लेकर युवक जो है वीडियो बनाता है, और मुस्लिम समुदाय के लोग योगी की तारीफ करने को उसे मना करते हैं। नौघादा थाना क्षेत्र के गाँव उस्मापुर का ये युवक रहने वाला है, जिसने यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। यह है कि मैं जो है क्या नाम है योगी आदित्यनाथ जी का फैन हूँ, और उनके कामों के बारे में मैं बताते रहता हूँ उन्होंने किस तरीके से काम करे हैं। सारा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से उन्होंने खत्म कर दिया। आज आप उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में देख लीजिए, एक भी गुंडा नहीं है उत्तर प्रदेश में, सारे गुंडे खत्म हो चुके हैं। अगर हमारी 1 लाख की चीज भी सड़क पर पड़ी है, या हमारे खेत में हमारा ट्रैक्टर भी ऐसी खड़ा है, तो उसे कोई टच करने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे मुख्यमंत्री हमें बनाने का कभी भी अवसर नहीं मिलेगा, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में
फुल सपोर्ट कर रहा हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी को, और आने वाले समय में हम दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, और क्या नाम है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी को देखना चाहता हूं मैं भारत में, और मुझे इनके इन दोनों का कामों से बहुत बहुत उनसिया था, और ये सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। तुम्हारी विरोध कौन कर रहा है तुम्हारा, तुम जो वीडियो बनाते हो कौन विरोध करता है? मेरे गांव के लोग ही, मेरी कम्युनिटी के यार, ये क्या करता है तू योगी जी का, ये भगवा पहनता है, ये पहनता है, मेरा मन है इसमें। अब मुस्लिम है? जी जी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग विरोध करते हैं। हाँ हाँ मुस्लिम। वो क्या बोलते हैं के भाई योगी जी को सपोर्ट क्यों कर रहा हो तुम इस टाइम? मैं तो गाय की सेवा करता हूँ, मुझे गाय की सेवा करने में सुख मिलता है। मैंने अभी गौ माता के ऊपर वीडियो बनाई, गौ माता को मैं जहाँ भी मिलता है अपनी स्कूटी के डिग्गी में खाना रखता हूँ उनके लिए, और मैं गौ माता को जो है ना खाना डालता हूँ जहाँ भी मुझे गौ माता मिल जाती है। और बिजनौर की SP नीरज कुमार जादव ने थाना हिमपुर दीपा का वार्षिक निरीक्षण किया है, और थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क और साथ ही मालखाना, हवालात, CCTV, NS कक्ष को भी यहाँ पर चेक किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की SP नीरज कुमार जादव ने थाना हिमपुर दीपा का वार्षिक निरीक्षण किया गया उनकी तरफ से, और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, हवालात सहित यहाँ पर जो है निरीक्षण किया गया और चेक कर यहाँ पर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ग्राम परहेरियों से यहाँ पर जो है बता दें कि यहाँ पर जितने भी फरियादी आए थे उनसे वार्ता कर उन्हें साथ ही बता दें कि उन्हें यहाँ पर टॉर्च भी वितरित की गई हैं। सर अब आज जो है हिमपुर दीपा थाने का सुनियोजित निरीक्षण था, इसके बारे में कुछ बताएं। आज मेरे द्वारा हिमपुर दीपा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जो वार्षिक निरीक्षण एक निर्धारित संख्या में पुलिस अधीक्षक को किए करने होते हैं, तो उसमें मेरे द्वारा आज किया गया। तो उसमें जो मुख्य अभिलेख है उनको देखा गया, मालखाने को देखा गया, जो प्रॉपर्टी उसको देखा गया, एक ड्रिल कराई गई कि जो प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारे राइड कंट्रोल गियर होते हैं, एमिनेशन होता है उसके साथ कैसे कार्य करना है, तो वो सब ड्रिल कराई गई। ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी की गई, उनसे फीडबैक लिया गया, उनको बताया गया कि उनको क्या करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में महिला को नवजात शिशु के साथ चोरी के यहां पर शक में जो है सरे बाजार बेइज्जती किया गया उसका, और वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र की कस्बा बढ़ापुर के यहाँ पर बाजार में एक महिला को नवजात शिशु के साथ चोरी के शक में यहाँ पर सरे बाजार उसकी बेइज्जती की गई और उसका एक वीडियो बनाया गया। उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक जो है समीम निवासी मोहल्ला बाजार कस्बा बढ़ापुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। को एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें बढ़ापुर थाना क्षेत्र के बाजार में एक पुरुष महिला के साथ अभद्रता कर रहा है तथा उसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। वीडियो के संज्ञान में लेते हुए तत्काल बढ़ापुर थाना पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है तथा महिला से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बिजनौर पुलिस ने स्टंट बाजों पर अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बता दें कि यहाँ पर बीच सड़क पर मोटरसाइकिलों से युवकों को यहाँ पर स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर जो है आदेश दिए थे कि इस पर कार्रवाई की जाए। बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस ने 5 स्टंट बाजों को हिरासत में लिया है। अब स्टंट बाजी करना युवकों को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए बात लखीमपुर खीरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आया है। गांव-गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर वैन पहुंची थी। वैन में 3 से 4 लोगों का स्टाफ भी बैठा हुआ था। आग लगते ही वैन में बैठे लोग बाहर निकल गए थे। बताया जा रहा है कि घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वैन जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैन में आग लगी थी। कोतवाली पसगवा की यहाँ पर नर्दी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक स्कूल वैन में आग लगने का मामला सामने आया। और इसलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको तो यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विधानसभा जागेश्वर के अंतर्गत तहसील गरुड़ाबाज परिसर में बहुदेशीय और साथ ही चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष अल्मोड़ा बीजेपी रमेश बहुगुणा की यहां पर अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में यहां पर बीजेपी की तरफ से जागेश्वर विधायक मोहम्मद जो है आप देखिए यहां पर मोहन सिंह मेहरा ने भी यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है।
शिविर में लगाए गए यहाँ पर स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और साथ ही अतिथियों की तरफ से यहाँ पर जो है सच्ची मंशा से लोगों के यहाँ पर समस्याओं का निदान करने के निर्देश जारी किए गए। चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको तो यहाँ पर जो है चमोली में चैत्र नवरात्र के अवसर पर इन दिनों पिंजर घाटी के यहाँ पर पैठाणी और साथ ही कांडा गांव में यहाँ पर नवरात्र की चहल पहल देखी जा रही है। इन गांव में यहाँ पर जो है दूर दराज से रहने वाले प्रवासियों के यहाँ पर परिवार और साथ ही मेहमानों से गाँव में रौनक बनी हुई है। नवरात्रि में यहाँ पर इन गाँव के प्रवासियों सहित यहाँ पर विवाहित महिलाएं अपने मायके आई हुई हैं और साथ ही अपने मायके के यहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन और साथ ही पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। आपके कथन अनुसार ये हमारी पैतृक संस्कृति रही है, युगों युगों से चली आई हुई संस्कृति है। हमने नवरात्रि दुर्गा का मंथन किया है। यह नवरात्रा हिंदुओं के चैत्र मास की शुरुआत 9 दिन नौरा 22 मार्च से लेकर 30 मार्च को रामनवमी है। रामनवमी के दिन जो है संपन्न हुई दिखाई दे रही है। इतने रिद्धि सिद्धि रूप में आई हुआ एक दुर्गा के रूप में दिखाई दे रही है। अनेक प्रकार के लोग हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के कर्मचारी हैं और महिला मंगलदल, युवा मंगलदल, तमाम क्षेत्र के सभी लोग आए हुए हैं। और जो बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो यहाँ पर बुलेट बाइक पर अगर आप स्टंटबाजी और साथ ही हुड़दंग करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको फरीदाबाद पुलिस की तरफ से चालानी कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। यह चालान यहाँ पर आपका 1,000 या फिर 2,000 या फिर 5,000 का नहीं बल्कि आपको दंड की चालान यहाँ पर 50,000 का भी हो सकता है। NIT 3 नंबर के पास महिला कॉलेज के यहाँ पर पास बुलेट बाइक पर पटाखे छोड़ते हुए हुड़दंगबाजी करते हुए यहाँ पर जो है सब इंस्पेक्टर सोहन पाल ने बुलेट बाइक का बता दें कि 50,000 रुपये का चालान किया है और लगातार जो है इस तरह की अब आगे कार्रवाई भी अमल में लाने की बात कही जा रही है। इसलिए यहाँ पर स्टंट बाजों के खिलाफ अब कार्रवाई करने को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। क्या नाम बाबू जी, क्या डेजिग्नेशन आपकी? सब इंस्पेक्टर सोमपाल सिंह, चौक 3 नंबर जी। आपने एक बुलेट मोटरसाइकिल चालान किया है, कितने का चालान किया है, किन नियमों के तहत किया है? ट्रैफिक नियम के हिसाब से किया है। बुलेट मोटरसाइकिल का इसमें साइलेंसर लगाया हुआ है एक्स्ट्रा जो पटाखे वाला है जी, और प्रेशर हॉर्न है, विदाउट डॉक्यूमेंट है जी, और ये नंबर प्लेट है ये ब्लैक पोती हुई है, लड़के ने इंस्टा ID लगा रखी है और कॉलेज और स्कूल है इनके पास से ये पटाखे छोड़ता हुआ जा रहा था और इसको इम्पाउंड कर दिया गया है विदाउट डॉक्यूमेंट और प्रेशर हॉर्न पटाखे वाली हुई जी। बाइक में क्या क्या कमी है? बाइक में एक्स्ट्रा ये जो कंपनी लगाती है साइलेंसर, वो साइलेंसर नहीं है, इन एक्स्ट्रा जो साइलेंसर लगा रखा है ये पटाखे वाला लगा रखा है, जो कि कोई भी वैन बैठी जाती है तो एकदम चमक जाए, एकदम जो ऐसा आवाज़ आती है, तेज आवाज़ आती है जिससे डर लग जाता है उस बच्चे को। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बात करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर सिंगरौली जिले में सहायक सचिव संघ ने अपनी मांगे ना माने जाने पर अपनी मांगों को समर्थन में यहाँ पर चुनरी यात्रा निकाली। आपको बता दें कि सहायक जो है सचिव संघ के अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और उसी कड़ी में सिंगरौली जिले के यहाँ पर समस्त जो है रोजगार सहायक संघ सैकड़ों की संख्या में 51 मीटर की यहाँ पर चुनरी बरगमा रेलवे गेट के पहले से लेकर यहाँ पर पैदल चलते हुए मां दुर्गटा देवी के यहाँ पर दरबार में पहुंचे और यहाँ पर दुर्गटा देवी के यहाँ पर जय दुर्गटा देवी की जय, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे जैसे नारों के साथ यहाँ पर अपनी नियमितीकरण की भी अर्जी को लगाते हुए जो है दुर्गटा माँ के यहाँ पर मंदिर के चरणों में 51 मीटर की चुनरी समर्पित की है।
ग्राम रोजगार सहायक कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में समस्त जिले के ग्राम रोजगार सहायक हड़ताल पे हैं, और उस तारतम्य में हमने सिंगरौली में बरगवा में स्थित माँ दुर्गटा देवी मंदिर जो है, बरगवा से हम लोग पैदल चल के दुर्गटा देवी माता मंदिर में माता दुर्गटा देवी जी के चरणों में अपने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर हमने माता के चरणों में अपनी मांग को समर्पण किया है कि हे माँ, हमारी मांग नियमितीकरण की मांग पूरा हो, वेतन वृद्धि हो जाए, 9,000 रुपये के अल्प मानदेय में शासन की विभिन्न योजनाओं का संचालन सबसे निचले स्तर से ग्राम रोजगार सहायक करता है। और सिंगरौली जिले के बरगमा थाना क्षेत्र के बड़हरा टोला में यहाँ पर हत्या से सनसनी मच गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खेत में अरहर पीट रहे 62 वर्षीय बुजुर्ग सिंगलाल बैगा को यहाँ पर उसके छोटे बेटे तिलकधारी बैगा ने हिस्सा बांट को लेकर लाठी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान बीच बचाव करने आई उसकी माँ बुधानी बैगा पर भी उसने प्रहार कर उसे घायल कर दिया था। और वहीं घटना के बाद मौके पर जो है बता दें कि मौके से फरार हो गया था और पुलिस जगह जगह पर उसकी तलाश कर रही थी। क्षेत्र में हुए यहां पर इस दुखद घटना के बाद जो है नवगत पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के यहां पर निर्देश पर SDOP राजीव पाठक के नेतृत्व में यहां पर निरीक्षक RP सिंह और साथ यहां पर उनकी टीम की तरफ से आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पूरी घटना का खुलासा किया। ये बरगवा थाना क्षेत्र का गांव है, बड़हरा टोरा है, बरगवा से लगा हुआ है, नगर परिषद क्षेत्र में आता है। परसों की घटना है, पुलिस को जानकारी मिली कि एक पारिवारिक विवाद में एक अपने लड़के ने अपने माता पिता के साथ मारपीट की डंडे से। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिंगलाल बैगा, 62 साल की उम्र थी, उसको चोट लगी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। साथ में उसकी जो पत्नी थी उसको भी चोटें लगी थी, जिसको पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा रखा, वो भी गंभीर रूप से घायल, उनका इलाज चल रहा, बातचीत कर रहे हैं। इसमें जानकारी लगी कि अरहर की फसल काटने के बात को लेकर लड़के ने अपने माता पिता के साथ मारपीट की है। और से बात विदिशा के करेंगे। बता दें कि यहाँ पर भोपाल कमिश्नर आज विदिशा पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज जाकर निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर कमेटी के साथ एक बैठक की, जिसमें जो बेस्ट काम हो रही है उनकी यहाँ पर संदर्भ में जो है बातचीत की गई, उस पर मंथन हुआ और साथ ही निर्णय लिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज 10। नमस्कार।